कहते हैं शिक्षा गरीबी से लड़ने का सबसे बड़ा हथियार होता है। मनुष्य के चरित्र को निखारने में भी शिक्षा का अहम योगदान है। स्वामी विवेकानंद ने भी शिक्षित समाज बनाने पर बल दिया था, लेकिन देश का दुर्भाग्य तो देखिए, शिक्षा के मंदिरों की हालत बद से बदतर होती जा रही है। मामला मध्य प्रदेश के सिवनी जिले के एक प्राथमिक स्कूल का है, जहां टपकती छत के नीचे बच्चे छाता लेकर पढ़ने को मजबूर है। प्रशासन की लापरवाही के बावजूद भी इन बच्चों का पढ़ाई के प्रति समर्पण तो देखिए, ये अपनी जान पर खेलकर बस पढ़ना चाहते हैं और पढ़ लिखकर अपने सपनों को जमीन पर जीवंत करना चाहते हैं। लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या इस स्कूल की जर्जर और हादसे को दावत देते हुए भवन को ठीक नहीं कराया जा सकता। प्रशासन में बैठे हुए अधिकारी अपने बच्चों को तो बढ़िया फर्स्ट क्लास इंग्लिश मीडियम पब्लिक स्कूल में पढ़ाते, लेकिन सरकारी स्कूल में पढ़ने आने वाले इन गरीब बच्चों को उनके हाल पर ही छोड़ दिया जाता है। वहीं से स्कूल के हेडमास्टर का कहना है कि हमने कई बार भवन के मरम्मत का प्रस्ताव बनाकर आगे भेजा है, लेकिन अभी तक कोई मरम्मत नहीं की गई। बरसात के दिनों में साला में ये छत जो है उसके छाप गिरती है, एक दिन एक बच्चा बच गया, उसके सिर पे गिर जाती है और कमरों में पानी टपक रहा है, पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण कार्य बहुत ही दुष्कर हो गया है। इसके लिए पूर्व में मई में और जून में भी हमने DRC कार्यालय में आवेदन किया है और इसके फोटोग्राफ भी उसमें लगा के दिए हैं, परंतु अभी तक कोई कार्रवाई हुई नहीं है। तो बरसात के दिनों में यहाँ बच्चों को बिठाना और शिक्षण करना बहुत ही जोखिमपूर्ण है, अभी भी कोई घटना घट सकती है। इस वीडियो के सामने आने के बाद प्रशासन के सभी दावों की पोल खुल चुकी है। अब देखना होगा कि सरकार प्रदेश के स्कूलों के हालत में सुधार लाने के लिए कोई ठोस कदम उठाती है या इन भारत के भविष्यों की शिक्षा के साथ इसी तरह खिलवाड़ होता रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट TNP News।